उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य शूटर असद बक गुलाम को झांसी के मुठभेड़ में मार गिराया। इस वक्त ये बड़ी खबर, असद अतीक अहमद का बेटा था और जिसको पुलिस ने मार गिराया है, उसके साथ एक शूटर को भी मारा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश की जुबानी पूरे मामले की कहानी। असद और गुलाम ये दोनों मुख्य शूटर थे जो 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाना क्षेत्र प्रयागराज में घटना हुई थी, जिसमें उमेश पाल जो एक इम्पॉर्टेंट मुकदमे के गवाह थे और उनको प्रदत्त दो सिक्योरिटी पर्सनल, दो पुलिसकर्मी जो उन्हें दिए गए थे विद सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक आर्म्स, इन तीनों की हत्या की गई थी। और ये गैंग तत्काल आइडेंटिफाई हो गया क्योंकि टेक्निकल इनपुट्स भी थे हमारे पास और साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस भी मिले। सीसीटीवी फुटेजेस आप सभी ने पूरे देश में दिखाया है। इन अपराधियों के पीछे एसटीएफ तभी से लगी हुई थी, ये प्रेस्टिजियस केस था क्योंकि ये कानून व्यवस्था सिस्टम के जड़ पर प्रहार था जब एक इम्पॉर्टेंट विटनेस का मर्डर हुआ। और आज फाइनली इन्हें ट्रैक डाउन करके उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इन्हें आज मार गिराया है। हुड्डू मुस्लिम का भी कोई इनपुट है? नहीं, अभी कोई इनपुट नहीं। सर, अभी तक टोटल कितने लोग इस पूरे घटना में एनकाउंटर किया गया है? अभी हम लोगों ने दो किया है, इसके अलावा प्रयागराज पुलिस ने दो अपराधियों को मार गिराया था और अन्य की तलाश लगातार जारी है। गैंग के बारे में आप बता रहे थे, क्या गैंग खत्म माना जाए? नहीं, जिस तरह का गैंग अभी जैसा था, गैंग काफी बड़ा है और गैंग एक्टिव।